हेलो दोस्तों, मैं फिर से एक अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आ गया हूँ आप लोगों के सामने। इसके अंदर सिमटेक कंपनी का एक हैजर्ड लाइट स्विच है, पूरा का पूरा किट है। तो इसको अनबॉक्स करेंगे और इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो भी दिखाएंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। तो चलो इसको पहले अनबॉक्स करते, उसके बाद दिखाते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसा है। तो ये रहा पूरा का पूरा पैकेजिंग, और ये सिमटेक के खुद के वेबसाइट से लिया हुआ है, और ये ब्लू डर्ट के थ्रू पार्सल हुआ है हमारे पास। तो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा बॉक्स, एंड ऊपर में लिखा हुआ है बी सिक्योर एक्सप्लोर मोर प्लग एंड प्ले मल्टी फंक्शन हैजर्ड लाइट फ्लैशर। और ये मेड इन इंडिया का बना हुआ है, वाटर प्रूफ है, 100% सर्टिफाइड है, एंड बेस्ट चॉइस है आप लोगों के लिए। और पीछे प्राइस दिया हुआ है, तो ये प्राइस जो है ये कंपनी का है, लेकिन आपको ऑनलाइन में लगभग 1200 के अंदर मिल जाएगा। और ये इनपुट 12 वोल्ट डीसी और आउटपुट 25 वोल्ट इनटू 2 प्रोवाइड करता है, और कुछ वार्निंग दिया गया है आप लोगों को, उसको थोड़ा देख लेना है। तो चलो अभी वो बॉक्स ओपन करते हैं। तो बॉक्स ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का पैकेजिंग मिलता है हम लोगों को कंपनी के थ्रू। तो ये काफ़ी अच्छे से पैकेजिंग किया हुआ है इस कंट्रोलर को, कि कोई इफेक्ट ना हो। तो ये है पल्सर 220 के लिए, आपको इसका यूनिवर्सल मॉडल भी मिल जाएगा, बजाज के जितने भी मॉडल है आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है PNP P220, मतलब ये बजाज पल्सर 220 के लिए है। तो इसको 220 में लगाएंगे हम लोग। और ये इसका ऑन ऑफ स्विच, जो आप कंट्रोल कर सकते हैं इस हैजर्ड लाइट को। सो इसका एक खासियत है कि आपको कोई भी वायर कटिंग नहीं करना पड़ेगा, जस्ट प्लग को ओपन कीजिए अपने गाड़ी का, और ये इसके जो प्लग है इसको इनपुट कर दीजिए, बस ये काम हो जाएगा। तो इसका इंस्टॉलेशन भी दिखाएंगे आप लोगों को, तब तक आप इस मॉड्यूल का ओवरव्यू देखिए, और हम चलते हैं तैयारी करने इस मॉड्यूल को अपने गाड़ी पर इंस्टॉल करने के लिए। तो चलो अभी इंस्टॉल करते हैं इसको, पल्सर 220 में लगाने वाले हम लोग, क्योंकि ये जो मॉडल ये पल्सर 220 के लिए बनाया हुआ है। और इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो काफ़ी इजी है, ये आप यूज़र मैनुअल के बगैर भी आप इसको फिट कर सकते हैं। तो चलो इसको इंस्टॉल करते हैं, फिर बात करते हैं। आपके पास अगर बजाज की कोई भी बाइक हो, जैसे पल्सर NS, डोमिनार, 220, 200, तो आपको सिमटेक के कंपनी के थ्रू ये सब मॉडल के अलग अलग वेरिएंट्स मिल जाएंगे इस हैजर्ड लाइट किट के। सो ऑन ऑफ स्विच जो है वो फिट हो चुका है, तो इसको अभी जस्ट प्लग इन करना है, फिर आपका जो लाइट है इंडिकेटर लाइट वो जलने लगेगा। तो चलो वायरिंग का काम अभी करते हैं और देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। आपको जो रेड कलर का प्लग दिख रहा है वो इंडिकेटर का है, और आपको जो हैजर्ड लाइट का किट है उसके साथ प्लग इन कर देना है कुछ इस तरीके से। और जो दोनों प्लग है उसको भी आप अपने इंडिकेटर के लाइट के साथ प्लग इन कर सकते हो। तो चलो इसको इंस्टॉल करते हैं, फिर देखते हैं। कुछ इस तरीके से आपको लगाना है जो दो प्लग है, और जो आपका ऑन ऑफ स्विच है उसके साथ और एक प्लग जो है वो आपको अटैच हो जाएगा इस कुछ इस तरीके से। और आप देख सकते हैं इंडिकेटर जो लाइट है आपके मीटर के सामने वो ब्लिंक करने लग गया, तो इसका मतलब ये है कि ये काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसके अंदर काफ़ी सारा मोड्स दिया गया है, इंडिकेटर जो है आपको अलग अलग तरीके से ब्लिंक करते हुए नज़र आएगा। और इस ऑन ऑफ स्विच के
एकदम ठीक नीचे एक ब्लू कलर का स्विच है जो इस पूरे इंडिकेटर के लाइट को कंट्रोल करता है। इस मॉड्यूल का जो और एक अच्छी बात है यह है कि ये वाटरप्रूफ है, तो इसमें आप गाड़ी में अपने कहीं पे भी लगा सकते हो। इसका जो यूनिवर्सल मॉडल है वो आपको लगभग 1000 के अंदर मिल जाएगा, वो आप यामा के कोई भी गाड़ी में लगा सकते हो या 150 के नीचे के कोई भी गाड़ी में लगा सकते हो। तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलो आज के वीडियो में इतना ही, बस अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो अगर अच्छा लगा तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय एंड ऑलवेज की स्माइल।